आज हम आपको धोनी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल वनडे मैचों में धोनी का बल्ला किस कदर आग उगलता है हर कोई जानता है। 2019 के सेमीफाइनल के बाद से ही धोनी क्रिकेट के मैदान से दूर रहे, लेकिन जब वो अपने फॉर्म में हुआ करते थे तब चाहे वो पहले बल्लेबाजी करें या फिर लक्ष्य का पीछा, हमेशा एक जैसे क्रिकेट खेलते थे और पारी की शुरुआत में तो एक एक रन लेकर स्ट्राइक रोटेट करते थे। ऐसा ही एक मैच हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ, जब पारी का आखिरी ओवर चल रहा था तो धोनी बड़ा शॉट लगाने से कतरा नहीं रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी के बड़े शॉट से ही जुड़ा एक अनोखा किस्सा काफी प्रसिद्ध हुआ। 2009 में क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे मैच में धोनी ने ग्रांट इलियट की गेंद पर एक छक्का लगा दिया। इस छक्के की खासियत ये थी कि धोनी को अपने शॉट पर इतना विश्वास था कि उन्होंने नजरें ऊपर करके भी नहीं देखा गेंद आखिर गई कहां। क्रिकेट में छक्के लगाने वाले बहुत हुए, लेकिन जब धोनी छक्का लगाते थे तो उनकी बात ही कुछ और रहती थी। उस मैच में धोनी ने 58 गेंदों पर 68 रन बनाए थे। उनके अलावा मैन ऑफ द मैच सचिन तेंदुलकर को मिला था जिन्होंने 163 और युवराज सिंह ने 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। भारत ने 392 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में जेसी राइडर के 105 रनों की बेहतरीन पारी के बावजूद न्यूजीलैंड 334 रन पर ही सिमट गया और 58 रनों से मुकाबला हार गया। लेकिन धोनी का ये छक्का बेहद प्रसिद्ध रहा, जब बिना देखे ही छक्का लग गया। इस वीडियो को शेयर कीजिए और एडवांस स्पोर्ट्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए।